वैष्णो के सानिध्य में हम लोग आज जिस स्थान पर उपस्थित हुए, ये वृंदावन के अंतर्गत निधि वन। अभी अभी हम पूज्य बाती तुम्हारे से निधि का अर्थ श्रवण कर रहे थे। श्री राधा जी का और निधि वन की महिमा का वर्णन करना ये अनधिकार चेष्टा होगी, परंतु फिर भी गौड़ीय गुरु वर्गों के द्वारा जो वर्णन हुआ है उसके एक दो बातें कहने का साहस करता हूँ। कहते हैं कि चोर जितनी भी चोरी कर ले, लेकिन सिपाही उसको पकड़ ही लेता है। शिष्य यदि मन में कुछ भाव रखे तो गुरु उसको किसी न किसी रूप में पकड़ ही लेता है। यहाँ पर गुरु शिष्य की बात कौन, श्री वृंदावन का इस निधि वन के जो सर्वश्रेष्ठ जो देवता है राधिका पर देवता, वे श्री कृष्ण की गुरु है। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य नट। राधा जी प्रेम की गुरु हैं और इस निधि वन का जो रत्न है, जो निधि स्वरूप वो रत्न क्या है, वो प्रेम धन है। और उस प्रेम की जो गुरु है वो राधा रानी है और उनके शिष्य कौन, श्री कृष्ण, जो स्वयं राधा जी से उस प्रेम की परिभाषा को श्रवण सीखते हैं। इसलिए ब्रजे प्रसिद्धाम नवनीत चोरम, बड़े प्रसिद्ध हैं ब्रज में, माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र की चोरी करते हैं, लेकिन जब राधा जी के अंग कांति और भाव की चोरी की और उसका प्रयास है तो राधा जी ने वह चोरी पकड़ी ली। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने स्वपन विलास में बड़े सुंदर रूप से इस स्थान की लीला का वर्णन किया। श्री राधा कृष्ण अभी हम लोग पीछे दर्शन करके आए हैं, ये उनका शयन कक्ष जहाँ पर बड़ी अंतरंग लीलाओं को संपन्न करते हैं। राजा जी रात को स्वपन में एक दृश्य को देखा और दृश्य को देखकर हठात करके एकदम उठी और कहने लगी, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण वल्लभ, मैंने एक बड़ा अद्भुत स्वपन देखा और उस स्वपन में मैंने देखा यमुना पुलीन की भांति बड़ा सुंदर एक तट है और एक गौर कांति संयुक्त एक किशोर है जो क्रंदन करता हुआ, नित्य करता हुआ, भूमि पर लोटपट खाता हुआ कभी हा राधे हा राधे हा राधे या फिर कभी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करता हुआ रोदन कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रही कि ये गौर कांति युक्त ये बालक कौन, ये किशोर कौन, क्या ये मैं हूं जो हा कृष्ण करके रोदन करती हुई आपके विरह में संतप्त हो रही हूं, या फिर ये आप हैं जो हा राधे करते हुए इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, राधे मैंने अपने नारायण आदि अनेक स्वरूपों का दर्शन कराया लेकिन कभी राधा जी समझ गए यही वो, ये वो व्यक्ति हैं जिनका मैंने स्वप्न में दर्शन किया। राधा जी कहने लगी, हमने ये एक श्रवण भी किया है कि गर्गाचार्य जी जब यहाँ पर आए थे तो आपका नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि आसन वर्ण स्त्रोयस्याग्निर्दम अनुयुगं तनुम शुक्ल रक्त तथा पीतम इदानिम कृष्णतम गता, कि सतयुग में आप शुक्ल वर्ण के, त्रेता में रक्त वर्ण के और आगामी कलयुग में पीत वर्ण धारण करके आएंगे। अर्थात उसी समय ही राधा जी ने वो चोरी को पकड़ लिया जो श्री कृष्ण चोरी करते हैं। इसलिए अनेक बार हम लोग श्रवण करते हैं कि गौर लीला में कृष्ण लीला है, हम लोग श्रवण करते हैं कि गौर लीला में कृष्ण लीला है लेकिन कृष्ण लीला में गौर लीला नहीं है। लेकिन यहाँ पर निधि वन में, अरे शांति रखो भाई, रास्ता देते जाओ जाओ
एकदम साउंड क्यों बना। लेकिन कृष्ण लीला में भी गौर लीला है, इसका प्रमाण हम यहाँ पर निधिवन में देखते हैं कि राधा कृष्ण की लीला में भी वे गौर वर्ण का, उस गौर महाप्रभु के लीला का भी पहले से ही बतलाया गया। श्री गर्गाचार्य जी ने भी उस पीत वर्ण महाप्रभु जी के कलयुग में आने के कारण को पहले से बतला दिया। इसलिए वही श्री कृष्ण राधा जी के अंग कांति को, भावों को ग्रहण करके कलयुग में सचिनंदन गौर हरि बन के आए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। एक बड़ा सुंदर यहाँ पर एक रहस्य की बात, श्री कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति को ग्रहण किए। भाव ग्रहण करने से सब कुछ हो जाता, अंग कांति को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या थी। जिस रस का स्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने राधा जी के भावों को ग्रहण किया तो फिर अंग कांति की आवश्यकता क्या थी। कृष्ण स्वरूप में ही उस भाव का आस्वादन हो सकता था, परंतु नहीं हो सकता। वो अंग कांति आवश्यक है उस मदनस्थ महाभाव को आस्वादन करने के लिए, वो गौर कांति होना आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु में प्रत्येक रस का एक एक रंग बतलाया है। सख्य रस चित कवरा, वात्सल्य रस लाल वर्ण का, और मधुर श्याम रस, मधुर रस श्याम वर्ण का। श्री कृष्ण काले हैं, श्याम रस का आस्वादन करते हैं, परंतु राधा जी गौर कांति युक्त हैं। इसलिए सर्वोच्च जो प्रेम की वो दशा, मदनाख्य महाभाव, वो उस कांति के बिना आस्वादन नहीं हो सकता था। इसलिए श्री गौर गोविंद महाराज जी इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वह भाव भी ग्रहण किया और उस भाव को आस्वादन करने के लिए वो जो एक आधार है, वो जो एक प्लेटफॉर्म है, वो अंग कांति को भी धारण करना पड़ा। इसलिए भाव भी और अंग कांति भी धारण किया। एक और बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एक वर्णन बतलाते हैं। श्री कृष्ण द्वारका में विलाप करते हैं रुक्मणी सत्यभामा के साथ, रात को सोते समय भी क्रंदन करते हैं जिससे तकिया इत्यादि सब भीग जाता। हा दादे हा दादे हा ललिते हा विशाखे करके क्रंदन करते, और उसी प्रकार राधा जी भी यहाँ पर उस विप्रलम भाव को आस्वादन करती हुई एक ऐसी दशा को प्राप्त, ठीक इसी निधु वन में ही जहाँ पर आज हम लोग सब आए हैं, ठीक इसी स्थान पर।